हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो सती जी ने यार अपने स्वयंवर का ऐलान कर दिया, अब जल्दी से देखते आगे होता है क्या। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट? हाँ, ये रहा दर्पण। सामान्य व्यक्तियों का अनावरण तो ये दर्पण कर लेगा, किंतु क्या ये शिव को भी इतने ही प्रभावशाली ढंग से अनावृत कर पाएगा? आप चिंता ना करें प्रजापति, सत्य काम दर्पण का प्रभाव सब पर एक समान पड़ता है। सती का विवाह मेरी कर्तव्य परायणता का अंतिम पड़ाव है। सारा परिवार इकट्ठा होगा। यदि आप विजया को भी निमंत्रण भेज दें तो अच्छा रहता। कौन सा विजय? केवल वही सम्मिलित नहीं है जैसे आपकी इच्छा प्रजापति। पता नहीं ना। ओ माता जी, क्या करने आई हैं? भगवान शिव जी की मूर्ति के पास शिव और प्रार्थना करने आई हूँ। सर्वोचित सती, तुम अपने पिता के लिए वचनबद्ध, इसीलिए मैंने ये सारी लीला प्रजापति की मर्यादा रक्षा हेतु रची थी। याद आ रहा है का विवाह योग उनके कुंडली में नहीं थे। ओ हाथ जोड़ने लग गई। मान चुकी है ना अब इनको, जो इनने बातें सुनी। नमामि शमीशान निर्वाण रूप। ये क्या कर रही है? विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद कुछ पढ़ रही है ना। ओ निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान। ले भाई शुरू हो गई। ये तो समझो माँ देव जी की पूजा करने शुरू हो गई। मान लिया इन्होंने। हे महादेव, मेरी सती की रक्षा करना। अब उसका जीवन आपके हाथों में है महादेव, आपके हाथों में है। कब तक मेरा ये पुत्र मुझे लज्जित करता रहे? काम तो उन्होंने कोई ऐसा छोड़ा तो नहीं है, सारे समझा रहे हैं। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिव और सती के बीच आने से वो विवाह को कुछ दिन के लिए स्थगित तो कर ले, किंतु रोकने में कभी सफल नहीं होगा। लेकिन होगा कैसे? इस समस्या का कोई तो हल निकाल। दाग जी तो कबोए किस्म के कबाब की हड्डी बने हुए हैं। दोष अहंकार का है ब्रह्मदेव, उस अहंकार का जो दक्ष जैसे विचारवान एवं ज्ञानी मनुष्य को भी मूर्ख बना सकता है। आप स्वयं देखिए उसकी मूर्खता का प्रमाण। देखिए उसके काम। उसने बाहर तो सत्य काम दर्पण की स्थापना कर दी थी ताकि शिव भेष बदल कर अंदर आए तो उन्हें रोका जा सके। अच्छा, किंतु दक्ष तो स्वयं उन्हें अंदर ला चुका है। अर्थात शिव की वो द्वारपाल वाली मूर्ति। हाँ, भृगु ने सत्य ही तो कहा था ब्रह्मदेव, सत्य काम दर्पण के सामने जो भी आएगा वो बच नहीं पाएगा, किंतु जो सामने आएगा ही नहीं उसके असली रूप का अनावरण
सत्य काम भी कैसे कर पाएगा? ब्रह्मदेव आप बस देखते जाइए, ये सत्य काम दर्पण बहुत काम आने वाला है। दर्पण कैसे कैसे काम आएगा? मुझसे शत्रुता मोल लेकर तुम्हें क्या मिला? अबे उन्होंने कब लिए दक्ष जी? और मैं करता यज्ञ से निष्कासित किए जाने के पश्चात भी तुम्हें समझ में नहीं आया। कदाचित मेरे द्वारा बार बार अपमानित होना तुम्हें अच्छा लगने लगा है ना? आप दक्ष जी की सोच देखो भाई, देव जी की कितनी बार अपमानित कर थक गया। बस दुआ कर किस दिन महादेव जी को गुस्सा ना आ जाए। आया था ना वो, बच गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे द्वारा निर्मित तुम्हारी इस मूर्ति को मैं यहाँ स्थापित कर देता हूँ। मेरा द्वारपाल बन जब तुम यहाँ आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करना पड़ेगा। हाथ धोती है यार, मुझे तक वो सारे बात नहीं कारण तुम अपमानित होते रहो। असले भाई असले, तेरा बुरा टाइम नजदीक है। जिस तरह की हरकतें तूने लगाई हुई है ना, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शिव आएंगे? हाँ माँ, सती जी तैयार हो रही हैं कि मैं आपके और पिताजी की स्वीकृति स्वयंवर जो है एवं आशीर्वाद के साथ ही विदा लूं। किंतु पिताजी ने शिव का प्रवेश रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। वो ऐसे में शिव अंदर कैसे आएंगे? उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि अंदर नहीं आए तो स्वयंवर में सम्मिलित कैसे होंगे? यार वो शीशा वो जो कैसे आएंगे? कह सकते हैं कि वो पहचान लेंगे। मैं नहीं जानती, परंतु इतना जानती हूँ कि वो अवश्य आएंगे। वो अवश्य आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे? बात इधर आती है ना, क्यों? यही बात है ना, वो दर्पण रख दिया इन्होंने, लेकिन आ गया ना तो महादेव जी को बस गुस्सा आने की देर है। बस दुआ करो आप उनके गुस्से से बचें। ये देख, हाँ अबे अंदर से लगाया उसने, इनके सारे गुजर रहे हैं। हाँ ये देख, जिस तरह के आज के हमारे हमारे स्कैनर भी होते हैं। हाँ वो जो स्कैनर है यार, उसके अंदर तरह जादू ही होते हैं। ओ पकड़े गए अभी, ये तो सो रहे हैं। हाँ भैंस बदल के आ रहे थे, वो ही थे ना कि मौका देख कर गायब हो जाओ। भैंस बदल के आए थे। इस दर्पण ने तो अनर्थ होने से बचा लिया प्रजापति। ये तो कमाल हो गया है, अब कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब तो समझ गया, आ चुके हैं, स्वयंवर उन्हीं के बीच संपन्न होगा। बस जो आ गए उनमें तो गायब होने की भी शक्तियां। अबे हाँ अच्छा सारे आ गए। हाँ सती जी कहाँ हैं? सारे एक दूसरे का मुंह ही देख रहे हैं इधर। जो जबरदस्ती बुलाए गए हो तो क्या करेंगे? वो बोल रहे बलि के बकरा मिल आने। कौन भाई दुश्मनी लेता है भगवान? जाहिर ही बात है। महाप्रतापी, हे
देव शक्तिपूर्ण ब्रह्मांड तेजस्वी नरेश प्रजापति दक्ष के महल में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। प्रजापति दक्ष के ऐश्वर्य और वैभव को स्वयं कुबेर ने परिभाषित किया है। उनकी समृद्धि और उदारता, इन दोनों से ये ब्रह्मांड अपरिचित नहीं है। आज संवत के इस पावन अवसर पर प्रजापति दक्ष की सुपुत्री सर्वगुण संपन्न राजकुमारी सती का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा है। जबरदस्ती आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि स्वयंवर की आचार संहिता का अनुसरण करते हुए महाराज दक्ष द्वारा आयोजित इस स्वयंवर को सफल बनाने हेतु प्रयत्नशील रहे। आप लोगों में से ही कोई एक वो सौभाग्यशाली होगा जिसे सर्वगुण संपन्न सती अपना पति चुनेंगे। सावधान, महाराज दक्ष की पुत्री सर्वगुण संपन्न सौभाग्यवती सती पधार रही हैं। आए, 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 लेकिन यार पकड़े हैं उस शीशे के अंदर से वो स्कैनर तो कमाल की है। वही ना, बड़ी कमाल की चीज है यार। उन्होंने कहा था ना कि घुस के जब मौका मिलेगा तो मार देंगे। अंदाजा लगा ले, कमाल का है दर्पण। ये कमाल की चीज है भाई, आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस टाइम की ये मतलब वही पहचाना जाए कि बंदा ये तो वो भाई, उस टाइम की निकली हुई चीज है, आज वही मशीनों के रूप में निकली हुई है। और भाई सती जी को माता जी कहती है कि क्या सच में भाई वो आएंगे, किस तरह आएंगे? वो तो भाई पैरा कठोर पैरा लगा हुआ है, वो कहते हैं बस मुझे नहीं पता, बस वो आएंगे मुझे। यार दर्पण भी रखा हुआ है ना। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि उनकी मूर्ति पड़ी हुई है, तो ये कैसे होगा यार? ये सारी चीज भगवान विष्णु जी समझाते हैं, लेकिन कहाँ समझ आती है चीज, क्या समझाते, पता ही नहीं लगता क्या बोल, इशारों इशारों में बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं। बात बताओ, उनकी बात ब्रह्मा देव जी को समझ नहीं आती, लक्ष्मी माता को नहीं समझ आती, तो हमें थोड़ी समझ आए। तो वे दूर यार समझाते रहते, अंदर मूर्ति है, अंदर ये और ये होगा, इस तरह होगा। लेकिन अब देखते हैं यार वो आखिर आएंगे किस तरह, क्योंकि सारे तो आगे, सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और बेचारे सारे कंफ्यूज खड़े हैं यार। और स्वयंवर भी स्टार्ट हो चुका है, अब आगे देखते आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।